और इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चले वो भी देखिए। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 69वें जन्मदिन के अवसर पर पार्टी ने 17 सितंबर की तिथि को भैया क्या हिला रहे हो यार, सेवा सत्कार तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुआयामी व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को लेकर के एक प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में यहां पर लोकार्पित की गई है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लोकप्रिय व्यक्तित्व है वह बहुआयामी है। जीवन के विभिन्न पक्षों को जिस संवेदनशील तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया है, पूरा देश और पूरी दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की नजरों से आदरणीय मोदी जी को एकटक निगाह से देखती है। उनके जीवन के अनेक पक्षों को लेकर के, बचपन, युवा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में जीवन के उन विभिन्न पक्षों को लेकर के, जिसमें सेवा भी है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव भी है, संवेदनशीलता भी है, तो अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता भी देखने को मिलती है। जीवन के इन विभिन्न पक्षों को लेकर के आदरणीय मोदी जी के इन सभी पक्षों को लेकर के जो प्रदर्शनी आज यहां पर लगाई गई है, यह विभिन्न पक्षों और वर्ग के लोगों के लिए अत्यंत ही प्रेरणादायी है, अनुकरणीय भी है। बचपन से ही उस प्रकार की संवेदना और समर्पण का भाव मोदी जी के अंदर देखने को मिल रहे थे। और आपने विगत 100 दिन की सरकार के, केंद्र सरकार के कार्य प्रणाली को दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के आने के बाद फिर से भी देखा होगा। पहले कार्यकाल में 70 वर्षों से देश के अंदर राजनीति के एजेंडे को बदलने का, जो पहले व्यक्ति पर आधारित था, जाति, मत और मजहब पर आधारित था, आज उसकी धुरी बदली है। आज उसमें गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, राजनीति का केंद्र बिंदु देश बना है। अपने घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।